हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स। माय नेम इज हरीश होजा। आज की इस वीडियो में आपको बताना चाहूंगा कि डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन में और हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या किस तरह से कर सकते हैं, यानी कि मोर कंडीशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हालांकि पिछली वीडियो में मैंने आपको सिंपल एक सिंगल इफ स्टेटमेंट का यूज नहीं बताया था कैसे करते हैं, सिर्फ ओनली डायरेक्ट इफ एंड एल्स का स्टेटमेंट बता दिया। तो सिंगल इफ का स्टेटमेंट हम कैसे यूज करेंगे और कैसे हम मोर कंडीशन को पास कर सकते हैं आपका डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन के अंदर। आप लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में भी इस कंडीशन को पास कर सकते हैं, इन मोर कंडीशन को। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये आपका इफ स्टेटमेंट आपका कैसे वर्क करेगा। सिंपली आपको मैंने इतना बता चुका हूं कि फॉर लूप एन इन रेंज है और एन कॉलन एन एक्सपोनेंट ऑपरेटर टू, इसका मतलब क्या है कि आपका स्क्वायर प्रिंट करेगा वो आपको, ठीक है। और स्क्वायर प्रिंट करेगा तो एक कंडीशन फाइट की है मैंने, एक कंडीशन क्या है आपकी कि वो इवन होना चाहिए, यानी कि इवन नंबर ऑफ लिस्ट आपकी शो होगी। जब मैंने इसको रन किया, देखिए मैं इसको रन करने वाला हूं, देखिए तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20 आप सभी का स्क्वायर झटकियों चुटकी भर में आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, बस आपको एक प्रोग्रामिंग करना कंपलसरी आना चाहिए। ओके फाइन, इस तरह से आप कर सकते हैं जैसा आप चाहते हैं। आप ऑड की चाहते हैं तो यहाँ पे आप ऑड की सकते हैं, यहाँ पे सिंपल लिखिए इस जगह नॉट। अब देखिए ये पूरी ऑड की आ जाएगी लिस्ट, देख रहे हैं आप कंप्लीट लिस्ट जो आप ऑड नंबर की। ओके फाइन, रेंज आप कितनी भी सकते हैं, जैसे जितनी आपकी मर्जी है उतनी ही रेंज सक दे सकते हैं। मैं इसको कमेंट करता हूं, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपसे कि मेरे पे एक डिक्शनरी है। ओके अब आप लोगों को ये क्या हो रहा है जरा देखिए, खुद ही देखिए अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, देखिए समझिए इस बात को मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। एक डिक्शनरी है जिसमें एक खुद की एक पर्सनल अपनी डिक्शनरी है। अपन डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन की हेल्प से हम लोग खुद की डिक्शनरी क्रिएट नहीं कर रहे हैं, बल्कि कर रहे हैं एक अनदर डिक्शनरी को दूसरी डिक्शनरी में हम कॉल करा रहे हैं आप, यानी कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन ही एक तरह से देखा जाए। हालांकि एक नेक्स्ट डिक्शनरी एक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा वो कैसे हम सॉल्व करते हैं। हालांकि मेरे पे पहले से एक डिक्शनरी है, यानी कि ए बी सी डी ई एफ सबकी पोजिशन है ए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ करके आपका सिक्स तक पूरी एक ये नंबर से आपके ए से लेकर एफ तक के। मैंने क्या कहा, मैंने डिक्शनरी वन यानी कि ये आपकी क्या डिक्शनरी वन, उसमें सिंगल कंडीशन पास करना चाहता हूँ, सिंगल कंडीशन। तो उसके लिए ये मैंने वेरिएबल बनाया, आप चिंता मत कीजिए, आप वेरिएबल चाहे जितना लॉन्ग बना सकते हैं, मैं आपको ये वीडियो बना चुका हूं इस पर। ओके मैंने क्या कहा, के और वी पेयर, के और वी पेयर इस तरह से पेयर चलता है, के एंड वी पेयर। अब आपका वो ये कैसे हो रहा है, आपको मैं आपको बताऊं कि फॉर लूप कैसे वर्क करता है। फॉर के कॉमा वी इन डिक्शनरी वन, अब डिक्शनरी से कोई भी आइटम को इनपुट कराते हैं हम लोग, को फैच करते हैं आइटम को डिक्शनरी के। हालांकि ये डिक्शनरी है, इसके इनसाइड के आइटम को फैच करना है तो आइटम मेथड लगाना कंपलसरी होता है। और यहाँ पे दो मेथड देने पड़ते हैं, पहला की एंड वैल्यू, यानी कि दो आर्ग्यूमेंट देने पड़ते हैं। यानी कि फर्स्ट जो आपका की आर्ग्यूमेंट होता है वो होता है स्ट्रिंग, देखो जैसे माउस ओवर किया तो स्ट्रिंग, वी पर माउस किया तो इंटीजर, यानी कि इंटीजर। देखो पहला की के लिए हो गया आपका और दूसरा हो गया वैल्यू के लिए आपका, यानी 1, 2, 3, 4, 5 क्या हुई वैल्यू, इसलिए यहाँ पे इंटीजर दे रहा है। जैसे मैंने के पर माउस ओवर किया तो ये स्ट्रिंग दे रहा है। तो आप समझ रहे हैं मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर आप समझ रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ओके यहाँ पे देखिए फर्स्ट एक कंडीशन दी है, इफ वी की वैल्यू यानी कि आपका जो वैल्यू है अगर 2 से ग्रेटर है तो ही वो इसका आउटपुट देगा ये। ओके हम चेक करते हैं, दे रहा है नहीं दे रहा इसका आउटपुट, मैं इसको कमेंट करता हूँ नीचे वाली लाइनों को, अब देखता रन करके। देखिए सी डी ई एफ आ रहा है क्लियर आपका आउटपुट। ओके तो ये कंडीशन 2 यानी 1 और 2 आपके नहीं आ रहे हैं बिल्कुल भी। अब डबल कंडीशन क्या होती है, सुनिए डबल कंडीशन क्या होती है। डबल कंडीशन में मैं क्या करूंगा आपसे कि मैं इन दोनों को कमेंट कर रहा हूँ, और ट्रिपल कंडीशन मैं दोनों कंडीशन बताता हूँ एक साथ। देखिए डबल कंडीशन में मैंने किस नहीं किया, ये सेंटेंस पूरा एक ही है। देखो जैसे मैंने माउस को यहाँ पर सिलेक्ट किया, माउस से सिलेक्ट किया, नीचे वाले दोनों लाइन भी सिलेक्ट हो गई है। देखो ये वाली लाइन भी आपका और ये वाली लाइन भी, दोनों लाइन सेलेक्ट हो गई आपका। बस फर्क कितना है, कंडीशन इसमें एक और बढ़ गई है और इसमें कितनी कंडीशन हो गई, 2 कंडीशन बढ़ गई है। तो कंडीशन आपको जब देनी है तो आप इस तरह से स्पेस कर कंडीशन फाइन इसमें पुट कर सकते हैं, जितनी चाहे उतनी कंडीशन आप दे सकते हैं। ओके समझ रहे हैं मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। ओके जब मैं इसको रन करूंगा, ये आपका डबल कोड है, ये ट्रिपल कंडीशन के लिए, मैंने इसको रन किया, देखिए सबका आउटपुट मैं क्लियर करके अगेन रन करता हूँ। देखिए क्या आ रहा है, सी डी ई एफ और फिर डी और एफ क्यों आ रहा है, क्योंकि सेकंड कंडीशन क्या थी कि उसका डिवाइड किससे होना चाहिए, इन मॉड्यूलो ऑफ 2 यानी कि वो इवन होना चाहिए। तो यहाँ पे इवन कौन है, 4 एंड 6 इवन नंबर है ना, और डी और एफ बैठे हुए इवन नंबर पे, यानी इवन नंबर पे कौन बैठे हुए, डी और एफ।
क्योंकि टू से ऊपर की बात की जा रही है, यानी कि थ्री से स्टार्टिंग, तो थ्री तो आएगा नहीं आपका क्योंकि इवन नंबर की चेकिंग की हमने। और थर्ड वाली कंडीशन में क्या किया, इवन नंबर की हमने चेकिंग तो किया आपका इससे, और मैंने इसका मॉड्यूल किया आपका थ्री से भी, मॉड्यूल दिखाया कि थ्री से भी डिवाइड होना चाहिए, थ्री से यानी कि जिसका डिवाइड है ना टू से भी और थ्री से भी जाता हो आपका डिवाइड है ना, मॉड्यूल ऑपरेटर जो है थ्री टू से भी डिवाइड करने पर वो जीरो बचे रिमाइंडर उसका, और यहाँ पे थ्री से भी डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर क्या जीरो बचे आपका। तो ये ऐसा कौन हो सकता है, वो है आपका सिक्स नंबर, सिक्स नंबर आपका टू से ग्रेटर है आपका, और टू से डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर जीरो बचता है, और थ्री से भी डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर जीरो बचता है, इसलिए एफ सिक्स आ गया आपका। तो समझ गए, तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा कैसे हम फर्स्ट सेकंड सिंगल डबल और ट्रिपल कंडीशन फाइंड कर सकते हैं, कैसे हम पुट कर सकते हैं, कैसे प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं, और हम कैसे स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं किसी नंबर का, इवन नंबर का, अगर वो भी इफ कंडीशन के साथ आप नॉट कंडीशन पुट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, गुड बाय।